हेलो गाइस, आज लेके आए हैं माई नैने का टच पेस्टिंग कैसे करते हैं और बचाने का बेस्ट तरीका। देखें कैसे मैं करते हैं। आपको टच के ऊपर टेप चौड़ा सा है, एक लेयर मारना है टच का ऊपर, दूसरा लेयर ये मार रहे हैं टेप, मार इसलिए रहे हैं ताकि डिस्प्ले बच सके। लगाने का रीज़न ये है कि डिस्प्ले बहुत आसानी से खुलता है, कोई टूटने का कोई फूटने का झमेला नहीं है। और आपको साइड साइड से ब्लेड से कटिंग कर लेना है चारों तरफ से पूरे अच्छी तरीक़े से, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग है मगर बिल्कुल पूरा समझ में आप लोग को आएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा हमारा वीडियो देखिएगा कितने आसान तरीक़े से निकालता हूँ। यूट्यूब में मैं वीडियो देखता हूँ, वीडियो कितना फास्ट करता है समझ में नहीं आता है कि कहाँ से कहाँ गया, कुछ समझ में ही नहीं आता है। अरे यार वीडियो तो लॉन्ग कर लो, क्या हो जाएगा, जिसको देखना है तो देखेगा ही। जो हमारे गुण, हमारे अंदर जो गुण हैं, जो खोलने का तरीका, डिस्प्ले बचाने का, वो आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ। जैसे आपको ले लेना है पेट्रोल, और जो कान साफ करते हैं उनको बड्स बोलते हैं, उसको बड्स में भिंगा के और चारों तरफ से आपको टच के बगल में डाल देना है, चारों तरफ से आपको घुमा देना है। बिल्कुल डाल इसलिए रहे हैं ताकि डिस्प्ले का जो अंदर जो गम है वो गम को मतलब छोड़ दें, यानी कि गला दें, ताकि हमको आसानी से डिस्प्ले बच सके और अच्छा से निकल जाए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसी नहीं हो कि ताकि हम बोले इतना मेहनत किए डिस्प्ले बचा नहीं। अब बिल्कुल आसान तरीक़ा से देख सकते हैं आप कि डिस्प्ले और टच के बीच में ब्लेड हम चला रहे हैं, एकदम कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा दम धीरे धीरे लगाना और डिस्प्ले को ऑन करके देखना, ताकि उससे अंदाज़ा हमको मिलता है कि सही हम ब्लेड चला रहे हैं। और आपको हल्का हल्का पुश करना है, कोई ज़्यादा दम नहीं लगाना है, हल्का हल्का प्रेस कीजिएगा, देखिए खुद ओपन हो गया है और ये देख सकते हैं आप कितना चूर है। हल्का हल्का आपको लगाना है ब्लेड, लगाने के बाद आपको करना क्या है, 11D ग्लास आपके पास हो, जो आप लोग ग्लास लगाते हो वो ग्लास का प्लास्टिक या फिर OCA ग्लास का जो रेपर होता है प्लास्टिक, उसको डाल लेना है। आपको डालने के बाद आपको चारों तरफ घुमाना है और धीरे धीरे, यानी कि आराम से दम, कोई अकबक्की नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, हमको डिस्प्ले को बचाना है ताकि कस्टमर खुश हो कि हाँ हमारा डिस्प्ले बच गया और कम खर्चा में हो गया, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। जब नहीं खुलेगा तो वहाँ हल्का सा पेट्रोल माइनर डालना है आपको, देख सकते हैं आप पेट्रोल हम डाल दे रहे हैं ताकि ग्लू को छोड़ दे, कोई हमको परेशानी नहीं हो, कोई चीज़ नहीं, बस केवल हमको सपोर्ट के लिए ब्लेड चलाना है चारों तरफ से ताकि गम साइड से छोड़ दे। देखिए पूरा डिस्प्ले ध्यान में रखना है, नीचे पत्ता है, नीचे पत्ता का पास पूरा नीचे नहीं ले जाना है, हल्का सा दम लेके वहाँ तक स्टॉप कर देना। आपको करना क्या है कि डिस्प्ले को नीचे से ब्लेड से ओपन कीजिए, इसे देख सकते हैं ओपन हो गया है। अब इसको हम लोग हल्का अपने की ओर खींचेंगे, हल्का हल्का दम, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, खींच लेना। आपको करने के बाद आपको डिस्प्ले को दिखा सकते हैं, देखिए डिस्प्ले बिल्कुल बच गया है, कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको डिस्प्ले कनेक्टर निकाल लेना है और डिस्प्ले को बाहर निकाल लेना, यानी कि ओपन कर लेना है, और ब्लेड लगा के जब भी करें तो ब्लेड से निकाल के ओपन करना है। अगर डिस्प्ले बाहर हम निकाल लिया हूँ, आप पत्ता को ध्यान से करते हुए करना है ताकि आपको किस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हो। थोड़ा सा हमारा वीडियो लॉन्ग है, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ,
ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे हम काम कर रहे हैं। आपको 95-96 में या 94 में हीट करके आपको कटिंग कर लेना है। और कटिंग करने का तरीका, कोई दम नहीं लगाना है और हल्का हल्का प्रेस करना है। अब बिल्कुल घबराना नहीं है कि हमारा डिस्प्ले टूट जाएगा, एकदम आराम से दम आपको धीरे धीरे कटिंग करना है। आपको ध्यान रखना अपना दिमाग को कि टच का नीचे तार नहीं घुसे, बस केवल आपको धीरे धीरे दम प्रेस करना है, हल्का हल्का माइनर, कोई स्पीड नहीं कटिंग करना, दम धीरे धीरे दम काटना एकदम प्यार से, ताकि डिस्प्ले कुछ नुकसान ना हो किसी तरह का, कि डिस्प्ले ब्लैंक हो गया या फिर डिस्प्ले में लाइनिंग आ गया या धब्बा आ गया, कुछ नहीं। वो जो धब्बे आते हैं ना, डॉट छोटे छोटे, वो हट जाते हैं। 1 हफ्ते, 2 दिन, 3 दिन लगता है, डिस्प्ले हट जाता है, कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं। वो दिखाते हैं हम डिस्प्ले कटिंग में बचा है या नहीं बचा है। मेरे को तो नहीं लगता है कि बचा है, हमको तो लगता है इतना चूर था कि डिस्प्ले टूट गया होगा, और फिर भी डिस्प्ले बच चुका है। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप, छोटा छोटा स्पॉट आया, वो डिस्प्ले का स्पॉट जो है वो हट जाएगा। उसको आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, डिस्प्ले कंप्लीट बचा लिया मैं। अब इसको आपको करना क्या है, ओसीओ को बिल्कुल अच्छे तरीका से साफ करना है ओसीओ को। और डिस्प्ले के ऊपर जो मोटर है, वो मोटर को ज़्यादा प्रेस करके नहीं दबाना है, ताकि ग्लू हटाने के चक्कर पूरा प्रेस करके दम लगा करना, नहीं वो आपको ऐसे नहीं करना है। केवल आपको रखना है हल्का हल्का दम, माइनर दम घुमाना हो, खुद मोटर घूमे आपको उसी हटेगा, उसी नहीं हटेगा तो आपको करना क्या है कि हाथ से उसी को आपको साइड से हटा लेना है। ध्यान रखना है कि नीचे में लेंस, वहाँ दबाना नहीं आपको। दबाने के बाद आपको करना क्या है कि डिस्प्ले का जो पत्ता, कैसे उसको ओपन करते हैं, उसको नीचे से पेट्रोल डाल के हल्का हल्का माइनर ओपन कीजिए। आप ध्यान रखना कि आगे लेंस से, लेंस के पास में किसी तरह को नहीं, केवल घुसाना हल्का हल्का दम, वो अपने खुद छोड़ देगा। देख सकते हैं हम साफ कर दिए क्लीन। और आपको एक टिश्यू पेपर ले लेना है, टिश्यू पेपर नहीं हो तो आपके पास छोटा सा कपड़ा होता है ना, वो उससे साफ कर सकते हैं पेट्रोल लेके। वहाँ देख सकते हैं आप, डिस्प्ले बिल्कुल फ्रेश हो गया है। अब इसको हम लोग डिस्प्ले को एकदम क्लीन, यानी कि साफ पूरा फ्रेश करते हैं, ताकि टच जो पेस्टिंग होगा पूरा क्लीन होगा, किसी तरह का बब्बल या डॉट नहीं आना चाहिए या डस्ट किसी तरह का कोई नहीं, पूरा क्लीन होना चाहिए। आपको पूरा बिल्कुल नाखून से, अगर नाखून होगा जो डॉट छूटते नहीं है, वो आपको नाखून से हल्का रगड़ के आप पेट्रोल से लेके पूरे आपको साफ कर लेना। साफ करने का तरीका आपको देख ही लिए हैं। आप इसको फ्रेम में डाल के हम लोग रखते हैं। रखने के बाद आपको डिस्प्ले का पता लगा लेना है, ताकि डिस्प्ले टनाए नहीं। ओसी डालने समय ध्यान में रखना आपको, अब इसको हम लोग रख लेते हैं। रखने के बाद आपको करना क्या है कि ओसी ग्लास जो आपका है, वो फोम कटर जो है ना, फोम कटर से आपको कॉर्नर में किसी तरफ से ओपन करना है, ओपन करना है हल्का सा दम, और आपको हाथ से पकड़ के अपने की ओर हल्का हल्का खींचना है। खींचने के बाद आपको ऊपर के सिरा से नीचे के सिरा से मिला के आपको अच्छे तरह से लेफ्ट और राइट, यानी कि दाएँ और बाएँ देख के आपको बैठा देना है एकदम, एक्चुअल एकदम परफेक्ट, मतलब कि मिडिल में, यानी कि फ्रेम में उनका, माइनाइने का। हल्का सा आपको डिस्प्ले में स्पंज करने लगा, यानी कि दबा देना हल्का। आपको मशीन से देखिए पेस्टिंग बिल्कुल फ्रेश पेस्टिंग होकर निकल चुकी है, कोई किसी तरह का डॉट नहीं। चलिए अब हम लोग चेक करके आपको डिस्प्ले को दिखाते हैं। मिडिल को आप साफ कर लेना है। मिडिल को साफ करने में वो करना क्या है कि ज़्यादा ज़्यादा पेस्ट नहीं देना है, ज़्यादा देने से बहुत अच्छा नहीं चिपकेगा। आपको केवल मिडिल की कॉर्नर में, यानी कि बॉर्डर में आपको हल्का हल्का पेस्ट देना है। पेस्ट मैकेनिक का मैं यूज करता हूँ, आप जो भी करते हो, मगर फिर भी हल्का ही हल्का आप देना आपको, ताकि
किसी तरह का नीचे डिस्प्ले के नीचे पेस्ट ना जाए। उससे होता क्या नुकसान कि दूसरे अगले दिन अगर पेस्टिंग किया जाए तो डिस्प्ले बचता नहीं, वो चलाने में बनेगा ही नहीं, वो चिपक जाएगा, फिर टूटने का डिस्प्ले डर रहता है। आपको फ्रेम में एकदम परफेक्ट बैठा लेना है, देख सकते बैठा दिए हैं, और आपको दबाना नहीं है, मिडिल को बैठा लेना अच्छा से, मिडिल में फोल्डर आपको बैटरी और पत्ता को लगा लेना है, जो नीचे का पत्ता है। स्पीकर लगा के अपन नट कस लीजिए बिल्कुल अच्छे से एकदम। आपको करना क्या है कि ऊपर का नट पूरा अच्छी तरह से कस लेना है। आप कसने के बाद हम आपको डिस्प्ले दिखाते हैं पेस्टिंग कैसा हुआ है, हमारा काम कैसे किए हैं। आपको करना क्या है, तीन स्टेप में रबड़ मारना है ऊपर से, यानी कि हाइट वाले लंबाई में तीन रबड़। आपको हम डिस्प्ले को भी दिखा दे रहे, तब तक डिस्प्ले ऑन भी होगा तब तक मैं रबड़ भी मार दूंगा। ये दूसरा रबड़, ये तीसरा रबड़ है, और चौड़ाई में तीन रबड़। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। मैं स्टेप बाय स्टेप बनाया हूँ, ताकि इसलिए वीडियो मैंने काटा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में, ताकि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आए। ऐसा नहीं कि वीडियो यूट्यूब में बहुत देखता हूँ ताकि वीडियो काट देता है, किसी को समझ में आता है कहाँ से कहाँ गए पता ही नहीं चलता। मैं इसलिए वीडियो थोड़ा हमारा लॉन्ग है, परफेक्ट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल बहुत, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो। जय हिंद।